तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आज यानी 20 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, किस विषय का? ग्रह विज्ञान विषय का। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं रिवीजन के तौर पर 70 बहुविकल्पी प्रश्न, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी आज आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और आप सभी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप पेपर देने जाएं, आपका पेपर अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यदि ये 70 प्रश्न आप पढ़ लेते हो यानी इन प्रश्नों से रिलेटेड इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो, तो मैं वादा करता हूं कि आप 20 जो बहुविकल्प प्रश्न आएंगे उनमें से 15 प्लस आप यहां से कर लोगे। जी हां, 15 प्लस ही यहां से मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मैंने मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी कल ही ग्रह विज्ञान की, यदि आपने ना देखा हो तो, यदि आपके पास समय बच रहा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। और आज आप बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको बोर्ड पेपर जो है, जो भी होगा आपका पेपर, उसे सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं चित्रकला विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की भी धुआंधार तैयारी कराऊंगा आप सभी की। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चार विकल्प है, 94 डिग्री फारेनहाइट, 96 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट या 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम यानी तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फारेनहाइट। चलिए मैं आपको फटाफट से आंसर बताता चलूं, क्योंकि समय कब है, आपको तैयारी भी करनी है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो आप जो है तैयार होते रहिए और इस वीडियो को चलाकर रख दीजिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। यहां पर आप देख रहे हो प्रश्न है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो आप सभी जानते हो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है जब शरीर में या आपको या किसी को भी तेज ज्वर आ जाता है, तेज बुखार आ जाता है, तब आप बर्फ की टोपी का प्रयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहां पर गर्म सेंक किस अवस्था में की जाती है या दी जाती है? यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि गर्म सेंक जो है, जब शरीर में किसी भी तरह की दर्द होती है, सूजन आ जाने से या अस्थि भंग हो जाने से, तो गर्म सेंक देने से थोड़ी सी राहत हो जाती है उस दर्द में। अगला प्रश्न है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्नान ना करा सकने या स्नान ना कर सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? स्पंज करना। इसके बाद यहां पर आप देखिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मोच की पहचान क्या है? तो पीड़ा होना भी है, सूजन होना और मांसपेशियों में खिंचाव, यानी राइट आंसर है इनमें से सभी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों का आंसर बताते भी रहिएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो, कह रहा है अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? यानी हड्डी जब टूट जाती है तो इसका क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा? तो सूजन आ जाती है, जब हड्डी टूटती है तो वहां पर सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, यानी जहां, जैसे कि मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई उदाहरण के लिए, तो आप जो है वहां पर क्या देखेंगे, सूजन आ जाएगी, अंग निष्क्रिय हो जाएगा और साथ ही साथ जो है दर्द भी काफी ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है, हसुली की अस्थि भंग होने यानी टूटने पर बांधेंगे, क्या बांधेंगे? सेंट जॉन्स झोल यानी जिसे गल पट्टी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो पेचिस के रोगी का भोजन क्या होना चाहिए? दही चावल होना चाहिए। कौन सा? दही चावल पेचिस के रोगी को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? तो यहां पर देखेंगे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों कि फलों का रस तो तरल आहार है, नींबू का रस भी है, दाल का पानी भी है, लेकिन चाय जो है यह किसी भी तरह का तरल आहार नहीं है। राइट आंसर क्या है? चाय। अगला प्रश्न है, यहां पर विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हो आंवला जो है दिए गए विकल्पों में से विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहां पर गाजर पपीता आम से मिलता है, क्या मिलता है? गाजर पपीता और आम से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रत्येक प्रश्न कराऊंगा, यानी 70 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और सभी प्रश्न कराऊंगा, आप सभी को सभी का उत्तर भी बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि आज ही आपका बोर्ड एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप अपना, अपने परिवारजनों का, अपने गुरुजनों और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। और प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं, कहां से यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए। तो जिसे क्षय रोग हो गया है उसे क्या नहीं देना चाहिए? निम्न में से मिर्च मसालेदार भोजन क्षय रोगी को नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, गरिष्ठ चटपटा या बिना पका भोजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाता है? नरम व तरल आहार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है विकल्प फ्लाइंग, दूसरा है बेकिंग, तो राइट आंसर क्या है? बेकिंग हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने लिया है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह मैंने आपको बताया ही है, बेकिंग है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो यहां पर आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है, क्योंकि दिए हुए विकल्पों में से आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोना चाहिए? तो आप ही बताओ कि सब्जियों को कब धोना चाहिए, छीलने के पहले या छीलने के बाद? दोनों में से एक ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर क्या है? छीलने से पहले। सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? सूर्य की किरण से हमें किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन की प्राप्ति होती है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो यहां पर आप देखेंगे सोडा जो होता है, यानी सोडा का प्रयोग यदि भोजन पकाने में करते हैं तो भोजन जो है हानिकारक होता है या हुआ हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन के जो है यह जल में घुलनशील है, बाकी के सभी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। फिर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो यहां पर राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहां पर विकल्प है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मैंने आपको बताया भी है एक मैराथन वीडियो में, जिसमें बताया है कि लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे आंवला जो है विटामिन सी का सबसे ज्यादा उत्तम स्रोत है, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में अधिकांश रूप से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की कौन कौन सी
विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। तो भाप द्वारा जब भोजन पकाया जाता है तो भोजन के सभी पौष्टिक तत्व जो है सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखोगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे यहां पर आप देख रहे हैं 29 प्रश्न मैं करा चुका हूं, यहां पर प्रश्न संख्या 30 यहां से आप देख लीजिए, कह रहा है प्रोटीन का मुख्य काम क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना ही प्रोटीन का मुख्य काम है। और आपको जो है 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर सीट में फिल करना होगा। और आपने 16 फरवरी को जब हिंदी विषय का पेपर दिया था तो आपको पता ही है कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला प्रश्न कवर भरना है, कैसे आपको जो है बोर्ड परीक्षा में जो है ओएमआर सीट भरनी है, सब कुछ आपको पहले से ही पता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए और आप जाइए आज पेपर अच्छा करके आइए और कमेंट करके भी बताइए कि आपने कितना जो है स्कोर किया, और इसमें भी कमेंट करके बताइए कि आपसे कितना स्कोर हो रहा है, राइट हो रहा है, यानी कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे रहे हो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत है, यहां पर आप देखेंगे खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सभी में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहां पर अधिक भोजन शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है कि लाभकारी है। तो आप सभी जानते हो जब आप ठूस ठूस के खा लोगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे शरीर पर जो है लाभ, यानी हमारा लाभ तो होगा नहीं या हमारे शरीर के लिए लाभकारी तो होगा नहीं, तो यह क्या होगा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगला है यहां पर प्रश्न, आप देखेंगे शरीर की वृद्धि में सहायक क्या है। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि में और शरीर के विकास में भी सहायक है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाते हैं। तो दूध को उबालने पर जो है उसके सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला यहां पर प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। तो कपड़े का सिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, यानी ये सभी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है। तो हाथ में लेकर, गोद में रखकर, मेज पर रखकर या कहीं भी, तो कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है, मेज पर रखकर। वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, खड़िया, पेल्सन, सफेद चाक या मिल्टन चाक। तो राइट आंसर क्या है, मिल्टन चाक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेबीज रोग का कारण क्या है। मच्छर के काटने से रेबीज रोग होता है या कुत्ते के काटने से या सांप के काटने से या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। संक्रामक रोग फैलते हैं, वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। तो आप सभी यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाओगे, इनमें से सभी प्रकार से संक्रामक रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएस अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों टिटनेस रोग के बचाव के लिए टिटबैक या एटीएस का जो है इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी जानते हो कि यहां पर आप देख रहे हैं विटामिन सी की कमी से, जैसा कि यहां पर ऑप्शन में नहीं लिखा है, ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिए हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से, किस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है। तो वेरिसेला जोस्टर वाइस जो है चेचक के विषाणु का नाम है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है, क्षय रोग, हैजा, कुकुर खांसी या टिटनेस। तो राइट आंसर क्या होगा कि बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग का जो है उपाय है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वाहनों का धुआं, और इनमें से सभी, तो आप सभी जानते हो कि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक क्या हैं, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज और उपर्युक्त सभी। यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण का कारक जनसंख्या वृद्धि भी है, आधुनिकीकरण भी है, सामाजिक रीति रिवाज के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, और राइट आंसर यहां पर क्या है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का या जल प्रदूषण का? तो राइट आंसर क्या है, भोपाल दुर्घटना जो है यह वायु प्रदूषण का उदाहरण है। और यहां पर आप देखेंगे अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी आप पढ़कर जाइएगा। प्रश्न कह रहा है, यहां पर आप देख लीजिए, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है, यहां पर चारों विकल्प सही है, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर और इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी के कारण ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। और यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो आप सभी जानते हो जल प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वायु प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी सभी प्रकार के प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या उपर्युक्त सभी। तो आप सभी इसका आंसर बता दीजिए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो आप सभी जानते हैं खसरा, हैजा, टिटनेस या फ्लेग। राइट आंसर क्या है, हैजा रोग जो है अशुद्ध जल के द्वारा और दूषित भोजन के द्वारा फैल जाता है। अगला प्रश्न है, मक्खियों द्वारा फैलता है कौन सा रोग, मलेरिया, डेंगू, हैजा या तपेदिक? तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तपेदिक नहीं फैलता बल्कि हैजा रोग फैलता है। अगला है यहां पर प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, 70-75% मानव शरीर में जल पाया जाता है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करके जल को कीटाणु रहित बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहां पर मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प एल्यूमिनियम सल्फेट, और यही विकल्प क्या है, सही है। यानी जो मिट्टी युक्त यानी गंदा जल होता है, जिसमें मिट्टी मिली होती है, गंदा जल, उसे जो है शुद्ध करना है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? तो यहां पर देखेंगे आप सभी, इसका राइट आंसर है रेखांकित चेक की जो है धनराशि को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता अपने चेक यानी अपने खाते पर ही जमा करने के बाद ही प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है यहां पर, किसान विकास पत्र योजना है? तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है, बैंक की है, जीवन बीमा की है, डाकखाने की है
या इनमें से कोई नहीं, तो किसान विकास पत्र योजना डाकखाने की योजना है। और यहां पर आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, या इनमें से सभी के लिए, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। संचाई का जमा खाता क्या है, श्रमिक वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, या फिर स्कूल जाने वालों के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, स्कूल जाने वालों के लिए। अगला प्रश्न है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय का ज्ञान तथा उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, यहां पर बचत करना भी है, व्यय पर नियंत्रण करना भी है और आय का ज्ञान कराना या आय का ज्ञान करना भी है। तो यहां पर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 67, मासिक बजट बनाना आवश्यक है आकस्मिक खर्चों के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए या व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। अगला प्रश्न है आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है किसे, घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या फिर बजट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बचत का बजट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यहां पर आप देख रहे हो प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस या पोलियो दिवस, तो 5 जून जो है पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या अगला है लंबाई मापने की इकाई क्या है, तो यहां पर आप देखोगे 4 विकल्प हैं और इनमें से क्या हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि आप सभी से एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर देना और जब आप पेपर देकर आना कमेंट करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद मैं आपको चित्रकला और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान विषय की धुआंधार तैयारी कराऊंगा इसी चैनल पर। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसी खुशी के साथ खुश मिजाज होकर के आज पेपर देने जाइए। अच्छा होगा पेपर, आप कमेंट करके बताइएगा, बस आपने अच्छे से पढ़ा हो। जी हाँ, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छा पेपर होगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।